यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू के जिला दंडाधिकारी यूनुस ने आज यहां जारी एक आदेश में जिले के किसी भी भाग में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आगामी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान 27 मई 2019 तक प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार जिले के समस्त हथियार धारकों को अपने हथियार, बंदूकें, पिस्तौल इत्यादि संबंधित थाने में तुरंत से जमा करवाने होंगे। आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान की भी आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिले के विभिन्न भागों में जनसभाएं, बैठकें तथा जुलूस इत्यादि होंगे, जिनके चलते शांति और सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी प्रकार के हथियार असला पुलिस थाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। किसी के पास वेपन है, आर्म्स है, वो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके उसको जमा करवाएं, डिपॉजिट करवाएं। इसके लिए हमने एक जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हैं वो जारी कर दिए हैं और धारा 144 इसी के संदर्भ में हमने लगाई हुई है। तो किसी भी प्रकार का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए और वॉयलेशन को बड़ा सख्ती से निपटा जाएगा। मैं आमजन से अनुरोध करूँगा कि जिस किसी के पास वेपन है, एक जो चुनाव की जो प्रक्रिया है पीसफुली रहे, एक अच्छे से उसको संपन्न कराने के लिए आप सबका सहयोग इसमें मैं अपेक्षित करूँगा।